सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन अब चरितार्थ होता नजर आ रहा है। हमारे पास 20 टाइप्स के बैग है, ये रिसाइकल करे हुए हैं। ये देखिए 2017 का बैग है, उस समय भी हम करते थे। एक बैग, अगर हम एक बैग इसको यूज करते हैं तो 200 पॉलिथिन को ये नहीं करेगा, खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। फिर ये हमारे रिसाइकल के लिए पर्दे हैं, जो ने किए हुए इसको हमने डेकोरेट किया हुआ, ये हमारे लिए ये ओल्ड पर्दे जो भी हमें डोनेट कर जाते हैं सब रिसाइकल किए हुए। फिर हमारे पास ये एक्सपोर्ट कटिंग्स वाले बैग हैं जिसमें हम बाजूट में, फिर हमारे पास जो कंपनीज में ज़्यादा जाते थे हमारे सेमिनार वर्कशॉप में जूट बैग थे। उसके बाद दादी के बटुए हैं हमारे पास, फाइव फ्लावर्स हैं, ये देखिए फाइव क्या है, पेड़ बचाए, फाइव कवर रखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। यस मैम, पर्सेज हैं हमारे पास, तो हम 20 टाइप्स के बैग की ट्रेनिंग देते हैं, उनको एम्पावर करते हैं। और कई उन्होंने अपनी शॉप खोली हुई है, कई हमारे एनजीओ में आते हैं। हमें खुशी होती है कि हम इस चीज में बहुत आगे जा रहे हैं। गुरुग्राम के जीपीएल एडन हाइट्स सोसाइटी में शनिवार को कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हाय, माय नेम इज कोमल एंड आई एम फ्रॉम बी टावर, आई रिसाइड इन जीपीएल एंड आई एम वॉलंटियरिंग फॉर दीप आश्रम। सो इट्स बेसिकली एन एनजीओ व्हिच इज डेडिकेटेड फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड किड्स। दरअसल सोसाइटी में कई समाजसेवी संगठनों ने मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। सोसाइटी के निवासियों ने एनजीओ के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसके माध्यम से सोसाइटी के लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट और समाज सेवा के प्रति सचेत किया गया। प्रदर्शनी में कला प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जहां मासूम बच्चों ने अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर पेंटिंग बनाई। इस आयोजन में कई समाजसेवी संगठनों ने प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले और समाज में समानता की लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए बेहतर कार्य करने का अपना अनुभव भी साझा। वेस्ट कलेक्ट करते हैं सोसाइटी से, फैक्ट्रीज से, एंड हम उसको रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उससे उन डिसेबल लोगों का घर। वेस्ट फ्लावर और वेस्ट पेपर पे वर्क करते हैं हम। जैसे दिवाली में दियाज वगैरह बनाते हैं, ज़्यादातर हम फेस्टिवल में ही वर्क करते हैं। जैसे ये दियाज हो गया, ये सब रियल फ्लावर्स का दियाज है, सोया वैक्स के साथ है मैम। और ये डायरीज़ हैं, ये हैंडमेड पेपर की डायरीज़ हैं और ये रियल फ्लावर का यूज़ किया गया है इनमें। और ये हम गाजीपुर मंडी से जो वेस्ट फ्लावर होते हैं उनका यूज़ करके बनाते हैं। ओके, और ये हमारा बॉटल बैग्स है मैम, और इनमें भी सब रियल फ्लावर्स का यूज़ किया गया है। और ये डायरीज़ हैं और ये मतलब गिफ्ट बैग्स हैं, ये सब रियल फ्लावर्स और सीड्स का यूज़ करके और हैंडमेड पेपर का यूज़ करके बनता है। सर, तो फिर वी मोटिवेट देम टू गो फॉर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन एंड देन वी गेट एडमिशन्स टू द स्कूल। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फर्स्ट मोटिवेट देम, ब्रिंग देम टू द टेम्प्रेरी क्लासरूम, टीच देम द बेसिक एजुकेशन स्किल्स एंड आफ्टर दैट वी हेल्प देम टू गेट इन टू फॉर्मल एजुकेशन। सेवा भारती का है वो, सेवा भारती चार प्रकल्पों पर काम करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता। इसके साथ साथ जो है जो वंचित गरीब लोग हैं उनको वस्त्रों की, जूता और जो एक मूलभूत सुविधाएं जो उनको नहीं मिल पाती उसको भी सेवा भारती। And they get incinerated, which releases a lot of carbon dioxide due to the rubber in the soles of the shoes. So this is made out completely out of rubber. Okay. So the ultimate aim of this NGO is to collect these discarded shoes and to recycle them and make them into new footwear, which are sold online as well as distributed to the needy people who don't have them. So आपको बता दें कि देश में करीब 80% कूड़ा बेहतर प्रबंधन नहीं होने की वजह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और मानव स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में जीपीएल एडन हाइट्स सोसाइटी और एनजीओ का सामूहिक प्रयास
निश्चित तौर पर समाज को नई दिशा दे सकता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।